गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रोजमेरी ऑयल को कैसे यूज करें अपने बालों में, स्किन में एंड नेल्स वगैरह में। सो पिछली बार भी मैंने रोजमेरी ऑयल को लेकर एक यूजफुल वीडियो बनाया था आपके लिए एंड काफी पसंद किया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा आपके लिए। तो आई थॉट लेट्स शेयर सम मोर रेमेडीज विद रोजमेरी ऑयल व्हिच विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हमारा पहला रेमेडी है फॉर डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको एक बाउल में लेना है 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल। इसको मिक्स करके आपको अंडर आईज में डेली रात को सोने से पहले यू अप्लाई करना है एंड सुबह उठ के फेस वॉश कर लेना है विद नॉर्मल वाटर। यह आपके अंडर आईज के एरिया को हाइड्रेट करेगा, साथ ही साथ डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। बढ़ते हैं हमारे आगे की रेमेडी की तरफ, दैट इज फॉर एक्ने स्कार्स। दोस्तों, एक्ने की समस्या हम सभी को होती है, खास करके जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो एक्ने स्कार्स की भी समस्या हमें हो जाती है। तो एक्ने एंड एक्ने स्कार को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, एक बाउल में 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लेना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल लेना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऑयल एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल। इनको मिक्स करने के बाद एक वाइट कलर का जेल बनेगा एंड उसको आप एंड डेली रात को आपको फेस में मसाज करके सो जाना है एंड अगले सुबह प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। धीरे धीरे यूज़ करने के बाद आफ्टर अ मंथ यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स ऑन योर स्कार्स एंड आपकी फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर बनेगी। हमारा थर्ड रेमेडी है फॉर ग्रे हेयर। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि दीदी प्रीमैच्योर ग्रे हो रहे, प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग हो रहा है, हमें हेयर वाइट हो रहे हैं, क्या करें। तो सिंपल सा रेमेडी ये करना, हफ्ते में 2 बार ही फॉलो करना, एक बाउल में कोकोनट ऑयल लेना है 2 टेबलस्पून एंड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल लेना है, मिक्स करके रात को लगा कर छोड़ देना है। ओवरनाइट रखने के बाद नेक्स्ट दिन आपको शैम्पू कर लेना है विथ अ माइल्ड शैम्पू। रेगुलर फॉलो अप करने के बाद धीरे धीरे आपके जो काले बाल हैं वो सफ़ेद नहीं होंगे जो होने वाले थे। हमारी आखिरी रेमेडी है फॉर डैंड्रफ। डैंड्रफ अभी एक मेजर प्रॉब्लम हो चुका है, अगर डैंड्रफ बढ़ता चला जाए तो आपको बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो डैंड्रफ को क्योर करने के लिए आपको क्या करना है, एक बाउल में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेना है एंड 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल लेना है एंड मिक्स करके लगा के रात भर छोड़ देना है। ऑलिव ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल मिलकर आपके ड्राई स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ अगर इची स्कैल्प हो रहा है उसको भी ठीक करेगा, साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या, जो फ्लेकीनेस की समस्या होती है वो भी ठीक कर देगा। हमारी रूट्स में जो है ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, प्लस हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे हेयर ग्रोथ में काफ़ी मदद होता है। अब ओवरऑल अगर आप ये 4 रेमेडी रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके स्किन एंड हेयर काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो डेफिनेटली इन रेमेडी को ट्राई करें एंड मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आगे लोगों को भी फ़ायदा मिले। ज़रूर वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सभी इनका फ़ायदा उठा पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।